इतने से पोर्शन के अंदर आप लोगों को करनी है पंखा दिख रहा है, ठीक है। हर एक सेक्शन के अंदर आपको इस तरीके से पूरे एंड तक बैक कॉमिंग करनी है। बताओ कौन बनेगा लाइव में ऑर्डर? बन जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये बैक कॉमिंग इतनी लूज है कि वो इजिली निकल जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें इस नेक की आउटर रिंग पे सबसे पहले आप लगाइए एक बॉब पिन, वैसे तो हम यूपिन लगा सकते हैं अगर यहाँ पर डोनट होता, पर मैं डोनट नहीं लगा रही हूँ, तो मैंने इसमें एक बॉब पिन लगा लिया ताकि इस नेक को इसके रूट के पास में जस्ट मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। और अब इस पूरे के पूरे हेयर को इस नेट के अंदर डाल दिया। वैसे हम ब्लैक नेट भी यूज कर सकते हैं, बट मैं ब्लैक तो ये भी तो ज्यादा नेट हो रहा है, कोई ना इतना नहीं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखो, जितने भी एक्स्ट्रा कहीं से भी हेयर है ना, सब इसके अंदर आ जाए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पूरी नेट को, जो हमारे यहाँ का ये नेट है, इसको इकट्ठा एक साथ में आराम से ऐसे लेंगे, और कोशिश ये करना कि आप इसे ज्यादा छोटा ना बनाएं, ठीक है। सारी इस आउटर जो रिंग है इसको मैंने यूं पकड़ा और यहाँ पर सिक्योर कर दिया विद अगेन बॉब पिन, ठीक है। अब इसके अंदर पूरे पूरे हम नेट के अंदर पूरी की पूरी जितने भी बैककॉमिंग हमने की थी ना, अगर हम बैककॉमिंग नहीं करेंगे ना सेक्शन के अंदर, तो जो नेट के अंदर वाला पोर्शन है ना वो स्प्रेड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा थिक भी नहीं बनाना, और पतला होगा तो उसके अंदर वो फैल ही नहीं पाएगा। तो आपको बैककॉमिंग करके पूरे के पूरे नेट के अंदर आप इस तरीके से इस तरीके से, ठीक है, हो गया वो। अब हम इस तरीके से पूरे के पूरे कोनी के पहले से पहले, मैं एक एक कोनी करती, मैं हमेशा क्या करती हूँ, इस तरीके से पूरे कोनी के बालों को सेपरेट कर लेती हूँ, ठीक है।
दिया इस तरीके से। अब हमें जो दूसरी पेटल लेनी है हम कहाँ से लेंगे, इस पेटल के मिड से, ठीक है, इस पेटल के मिड से हमें लेनी है। तो मैंने ये वाला फ्रंट का ये वाला पोर्शन ले सकते हो या फिर पीछे से ला सकते हो। फ्रंट का अगर मैंने यूज कर लिया तो मेरे को बाद में यहाँ पे पेटल चाहिएगी, यहाँ से लाओगे तो वो छोटी पड़ जाएंगी। तो आपको कहाँ से लेनी है, पीछे से, क्योंकि हमारे पास में पीछे बहुत सारी पेटल्स है, ठीक है। अंदर यू पिन लगानी है और आपको पिन इस तरीके से लगानी है कि वो डायगोनल जाए, आपके क्लाइंट के हेड पर ना लगे, इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा पेटल, जैसे कि आपको मैंने रोज वन बताया था दूसरे वाला भी, तो हमें कैसे देखना पड़ेगा कि ये वेव यहाँ तक गया है तो आपका जो सेकंड इसके बाद वाला वेव जो आएगा वो कहाँ से आएगा। तो उसके लिए अब हमें आसपास के देखने पड़ेंगे सेक्शंस हमारे पास में। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मुझे यहां से ये वाला सेक्शन लेना है। अब मैं इस वाले को प्रॉपर किस तरीके से क्रिएट करूंगी, जस्ट लाइक अ पैटर्न्स। ध्यान इस साइज के लिए है, और जो ये वाला पोर्शन है इसको आपको यहां पर इस तरीके से लॉक करेंगे। स्मॉल बॉक्स पिन दे, मैं किसके सामने कल बोल रही थी
को ना जो भी आप बना रहे हो ना उसको मैं क्या करूँ शेप दे दूँ। इजी है नेट में इजी शेप देना। कनेक्ट हो रहा है मेरा थोड़ा।